नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेरी वीडियो ऑन कर ली है। जो भी मेरी वीडियो ऑन करता है वो अच्छा हो जाता है। इसके पीछे बहुत ही प्यारा रीज़न है, वो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ पॉजिटिव वाइब्स सेंड करने की। ओके, बहुत ज़्यादा फालतू इन्फॉर्मेशन हो गई। ओके, समय हुआ है 11। आज हिम्मत की अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट की, एंड उसे मैं स्कूल से पिक करने के लिए जाऊंगी अराउंड 12, उसकी लंच ब्रेक से पहले। उससे पहले मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाना चाहूँगी। बहुत बार हम ज़्यादातर हम लेट खाना खाते हैं क्योंकि पहला मील हम स्किप करना चाहते हैं, पर सम डेज जब मुझे भूख लगती है मैं कंट्रोल नहीं करना चाहती हूँ, जल्दी से खा लेना चाहती हूँ। कल मैंने आलू मटर बनाए थे एंड पिंडी बनाई थी, एंड जब पिंडी फ्रिज में पड़ी वेट कर रही हो कि अच्छा मैंने खा ला, तो कैसे वेट करूँ। सो अपने लिए मैं फुल्का बनाने वाली हूँ। सो आलू मटर को गर्म करेंगे। सो यहाँ पे रोटी का स्टेशन बनाते हैं। Welcome to your beautiful home, sweetie. Hi. Guys, I came back early. So, Himmat kha raha hai matar aloo ke saath roti. So, bau main apni pindi tenu deti pyari hai, inna pyar, inna gura pyar. Thanks nahi kar randi. Thanks, hun kha lende mainu. Kha pyari hai, e pindi teri hoi. Tenu pindiyan di sabzi khwa ke te gallan kardi pi hun. ਤਿੰਨ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਖਾਧੇ। ਤਿੰਨ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਜ ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਾ ਗਾਉਣ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਪੰਜ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਓ ਕੈਨੇਡਾ। ਆ ਜਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਖਾਇਓ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਚਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਿੰਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾ, 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਅੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1947 ਦੀ। 3 ਰੁਪਏ 3 ਜਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਵਾਲਾ ਛੀਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਪਿਆਰੀਏ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਟਾ, ਪਿਆਰੀਏ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈ ਆ।
भिंडी खा लो। हम लोग पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के क्लिनिक में। अब हिम्मत के एक्सरे होंगे सारे माउथ के, कि कैसे दंत की ग्रोथ हो रही है, टीथ की ग्रोथ हो रही है, कैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ चुके हैं, कितने बेबी टीथ हैं, सब कुछ सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड उसके बाद हिम्मत के टीथ की डीप क्लीनिंग करवाएंगे हम, एंड देन वी विल बी डन। हम लोग घर आ चुके हैं हिम्मत के डेंटिस्ट से। तो सारा हमें प्लान बन गया कि हमें उसके दंदा का क्या करवाना है, बट हम एक दो और सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहते हैं प्रोसीजर शुरू कराने से पहले। हिम्मत की एज सिर्फ 9 है एंड उसका जो जॉ है वो थोड़ा छोटा है, एंड स्पेस बनाना पड़ेगा, एंड यू नो कि अच्छी तरह प्यारे प्यारे दंद आ जाएँ। कई लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि एकदम से अच्छे दंद आ जाते हैं, पर हिम्मत को थोड़ा सा प्रोसीजर से गो थ्रू होना पड़ेगा। इसमें लग जाएंगे 4-5 साल, क्योंकि अभी वो 9 है एंड वो बोलते हैं कि बॉयज़ को 14 साल तक पूरे टीथ आते हैं। सो उसके बाद फिर एक और प्रोसीजर होगा। अगर इसी से उसकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो गुड है, अदरवाइज़ ही नीड टू गो थ्रू वन मोर प्रोसीजर। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दिन ना हिम्मत मुझे बोल रहा है कि मेरे ना यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, ये अगले वाले दो टीथ के पीछे। जब मैंने देखा तो दो दांत निकल रहे थे पीछे से। अभी वो मैं फिर मैं डेंटिस्ट के पास चली गई और मुझे पता चला कि ये जो दांत निकल रहे हैं ये पीछे इस वजह से आ रहा है क्योंकि जगह बहुत कम है, क्योंकि इसका जॉ छोटा है। इसके लिए कह रहे कई लोग जॉ सर्जरी भी करवानी पड़ती है, बट बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की सर्जरी नहीं करवाना चाहते। वैसे हिम्मत तो बहुत छोटा है, वो होती भी नहीं इतने छोटे बच्चे के, पर और बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं कि दांत पूरी तरह सही तरीके से आए। सो इसी के चलते हम गए थे ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास, एंड अभी मेरी एक दो और के साथ अपॉइंटमेंट है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हम किस प्रोसीजर से गो थ्रू होंगे। अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया है तो मुझसे ज़्यादा बातें मेरे पति उसके साथ करते हैं तो बातें कर रहे हैं उसके साथ। एंड आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एंड उससे रिसेंटली मैं मिलने गई थी मैक्सिको। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर से देखे, उसकी बहुत ही प्यारी सी वाइफ है, बहुत ही प्यारी सी बेटी, एंड उसके साथ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वाली भी शूट किए थे, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ज़रूर से देखना मुझे। अब वो कनाडा आ जाते पर कुछ वीज़ा के इश्यूज होने की वजह से वो नहीं आ पाए, तो हमें मैक्सिको जाना पड़ा था उसको मिलने के लिए। तो यहाँ चा बनाते हैं। बढ़िया गल्ला मार दिया तू, यहाँ नहीं पीनी चाहे। हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है पर वो हमेशा की तरह नखरे कर रहे हैं कि ओ इन्नी देती, लून ज़्यादा पाता, मीठा घट पाता, अदरक ज़्यादा। एक तो इन लोगों की सेवा करो, उत्तो गल्ला सुनो, क्या हम इसीलिए दुनिया में आए हैं? और लोगों ने सीरियस ला लेना और थोड़ी तो बुराइयाँ होनिया। लोगों ने कहना इदा के पति छड़ क्यों नहीं दिंदी तू,